मनीषा एक के बाद एक ऐसा काम करती हुई नजर आ रही हैं जिसे देखकर उनके फैंस खूब प्राउड फील करते हैं। लेकिन कुछ फैंस ऐसे हैं जो सिर्फ फोकस करते हैं मनीषा रानी की सक्सेस पर, उनके काम पर, उनकी खूबसूरती पर, उनकी बातों पर। लेकिन कुछ फैंस ऐसे भी होते हैं जो ध्यान रखते हैं कुछ ऐसी चीजों का, कुछ फोकस करते हैं ऐसी चीजों पर कि जो ना जाकर भी नेगेटिविटी फैला देते हैं। अब जरा इसी कमेंट को आप देख लीजिए, यहां पर उन्होंने डैश एलविश बहुत ही गलत लैंग्वेज यूज करते हुए अभिषेक और एलविश के बारे में कुछ ऐसा कहा है कि उन दोनों को औकात दिखा दी है मनीषा ने कि वो उनसे कितनी ज्यादा बड़ी है, कितना डिजर्विंग वो मनीषा रानी थी जो ओटीटी को जीतना डिजर्व करती थी। लेकिन आज मनीषा उसे ना जीत के भी किस तरह कितना बड़ा काम करती हुई इंडस्ट्री में नजर आ रही है और अभिषेक एलविश उसके सामने कुछ भी नहीं है। आगे न जाने क्यों किसी को ऊपर बढ़ाने के लिए लोग दूसरों को नीचे करने की कोशिश करते हैं। इसमें किसी सेलिब्रिटी का फॉल्ट नहीं होता क्योंकि वो लाखों कमेंट में से एक कमेंट पर किस तरह फोकस करेंगे। मनीषा रानी अपने फैंस को हमेशा कहती है कि वो अपने दोस्तों के बारे में बुरा नहीं चाहती, सुनना नहीं चाहती, वो ये चाहती है कि बस पॉजिटिविटी फैलाई जाए, मनीषा पर फोकस करें उनके फैंस और कुछ भी नहीं। दो जो हेट कर रहे हैं उन्हें हेट करने दो, लेकिन तुम उनमें से एक मत बनो। लेकिन मनीषा के फैंस ये अगर उनके दोस्तों के लिए ही जो उनके लिए बहुत ज्यादा प्यारे हैं उनके लिए इस तरह हेट दिखाएंगे तो मनीषा को भी दुख इस बात का जरूर होगा, जिस तरह अभिषेक और एलविश को भी होगा ही, उनका दिल टूट जाएगा यार। क्या कहें इस पर आप सभी, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर बनाओ बिल्कुल भी ना जाए। Thank you.